हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी कृतिका पुस्तक का तीसरा पार्ट साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा था। उसका एक भाग खत्म किया था और उस भाग में हमने पढ़ा था लेखिका मधु कांकरिया अपने मित्र के साथ यात्रा पर जाती हैं और उस यात्रा में उन्होंने जो सिक्किम यात्रा की थी उस सिक्किम यात्रा में उन्होंने एक कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्र देखा था। अपने गाइड जितेंद्र नारगे से पूछने पर उसने बताया कि मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखक के मन में ये सवाल उठा था कि चाहे मैदान हो या पहाड़, हम कितनी भी वैज्ञानिक प्रगतियाँ कर लें, उन वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। इसके आगे का भाग आज हम प्रारंभ करते हैं जो कि यहां शुरू होगा। लेखिका, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि वो सिक्किम यात्रा पर गई हुई थी, तो यात्रा के दौरान वो एक पर्वत शिखर की यात्रा कर रही होती हैं। शुरू करते हैं, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। इस पैराग्राफ में आप देखें कि लेखक जब पर्वतीय क्षेत्र पर घूमने के लिए निकलती हैं तो वहाँ पर जो आगे जो लोग हैं, बाजार हैं, बस्तियाँ सब पीछे छूटने लगीं, पर्वत शिखर की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे जो स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ थीं, पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोने वाले बौने से छोटे से दिखने वाले बहादुर नेपाली आदमी जो थे वो भी नज़र से ओझल हो रहे थे। अब उस पहाड़ के ऊपर से नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे नजर आ रहे थे, ताश के घरों की तरह छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। हिमालय भी अब जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, वो हिमालय अब अपने वास्तविक स्वरूप में विराट रूप वैभव के साथ आने वाला था। जो लोग वहाँ जाते हैं तीर्थाटन करने के लिए, उनका एक ही उद्देश्य होता है, सबकी कामना होती है, इच्छा होती है कि हम हिमालय को देखें। जो पल पल अपने आप को परिवर्तित करता है वह हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ रही थी अपने गाइड जितेंद्र नारगे के साथ, वैसे वैसे आगे चलने पर रास्ते वीरान होते जाते। वीरान मतलब एकांत, जहाँ कोई नहीं है। संकरे अर्थात छोटे और जलेबी की तरह घुमावदार, ऐसे रास्ते कभी घाटी, कभी चढ़ाई, कभी मैदान, कभी समतल, कभी कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। यहाँ पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने का मतलब है वो छोटा फिर बड़ा नहीं हो रहा था। जब लेखिका हिमालय के पास पहुँच रही थी, जितना नज़दीक जा रही थी, हिमालय का वास्तविक स्वरूप उन्हें दृष्टिगत होने लगा था। घटाएँ गहराती गहराती पताल नापने लगी थीं, अर्थात जो घाटियाँ थीं वो इतनी गहरी होती गईं जैसे पाताल। वादियाँ चौड़ी होने लगीं, घाटियाँ दिखने लगीं, पर्वत के आसपास का पर्यावरण जो कि जंगली था वो दिखाई देने लगा। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों।
ऐसे रास्ते थे, पक्के रास्ते थे, लेकिन कुछ कच्चे कुछ पक्के। उन रास्तों से गुजरते हुए लग रहा था बड़े बड़े पर्वतों के बीच में जैसे हम किसी घनी हरियाली वाली गुफा के अंदर चले जा रहे हैं और हिचकोले खा रहे हैं, अर्थात गाड़ी सही न चल करके घूम घूम के चल रही थी, ऐसा कुछ दृश्य था। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और यह मौसम हंसी। उस सफर में जितने लोग हम लोग निकले थे तीर्थाटन के लिए, घूमने के लिए, और उसका उस सुंदरता का जो इस पूरे पर्यावरण में बिखरी सुंदरता थी, उसका प्रभाव यह पड़ा कि मन से ये शब्द, ये गीत के शब्द अनायास से निकल गए, सुहाना सफर और यह मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। यहां लेखिका का मन उस परिदृश्य को अपने भीतर समेटने के लिए इच्छुक था। इस पूरे परिदृश्य को मैं अपने भीतर भर लेना चाहती थी, लेकिन लेखिका के मन में कुछ अंदर पिघल रहा था, अर्थात उनका मन उस प्रकृति से साम्य स्थापित कर रहा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल करके मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते झर जल प्रपातों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। उस पूरे परिदृश्य को, पर्वत शिखरों को हो, जल प्रपातों को हो, या बनी ठनी उस इठला इठला कर बहती तिस्ता नदी को, सबको अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां से जैसे वो निकली थी सिक्किम यात्रा के लिए, वहां से ही तिस्ता नदी उनके साथ साथ थी। पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, पराकाष्ठा मतलब चरम पर, सबसे सुंदरतम। इतनी सुंदर नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंख की तरह हल्की थी। अर्थात मेरा मन, जो हल्का मन था, उस संपूर्ण परिदृश्य को अपने अंदर समेट करके उस आनंद की अनुभूति कर रहा था। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उबलता झरना। इस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। जैसे ही मैंने उस विशाल हिमालय शिखर को सलामी देनी चाही कि तभी जीप रुकी और पूरे वेग से के साथ शिखरों के शिखर से भी गिरता झरना, उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। जैसे ही वो झरना दिखाई दिया, जितने सैलानी थे सभी लोगों के फ्लैश चमकने लगे। यहाँ फ्लैश चमकने का मतलब सबके हाथों में कैमरे थे, उन कैमरों से वो उस परिदृश्य को अपने कैमरे में कैद कर देना चाहते थे। कैमरे में कैद करने के लिए सब लोग अपने कैमरे निकाल करके उनके साथ फोटो खींचने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेकिन लेखिका उस भीड़ में शामिल नहीं हुई। भीड़ में शामिल होने का मतलब कैमरा लेकर के फोटो खींचना या अन्य कार्यों में मशगूल नहीं हुई, व्रत नहीं हुई। वो क्या कर रही थी? पत्थरों पर बैठ गई, उस झरने का संगीत सुन रही थी, साथ में जो उनकी आत्मा, उनका हृदय उस संगीत को आत्मसात कर रहा था, उसको उसका वो आनंद लेने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा।
जैसे उन्होंने नदी के जल में अपना पांव डुबाया बहती जलधारा में, अंदर तक उनका रोम रोम सिखर गया, मन काव्यमय हो उठा। वाह, इतनी सुंदरता, सुंदरतम धरती पर स्वर्ग का एहसास उन्हें हो गया। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा उनका मन। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। जीवन अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका प्रतीक था वह झरना, क्योंकि वह अनवरत बहता था। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। उस झरने को देख करके मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वयं भी देश और समय की जो सरहद हैं, सीमाएं हैं, उनसे दूर हट करके उस नदी की धारा बन करके बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं, जो कि सांसारिक जो मोह माया थी, जो वासनाएं थीं, इच्छाएं थीं, वो इस धारा में बह गईं। वाह, इतना सुंदरतम स्थान शायद अपने जीवन में मैंने पहली बार देखा था, और उस सुंदरता को मैं अपने मन में, हृदय में समेटने में लग गई। मन हुआ अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। मैडम आप उठिए, चलिए, इसी पर मत खोइए, इससे आगे चलेंगी आपको इससे सुंदर भी दृश्य देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, लेह का कमन नहीं था कि वहां से चलें, लेकिन गाइड का आदेश था, साथ में प्रार्थना भी थी, मनुहार भी था, बिना मन के वो उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखते परदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चलते चलते सारे दृश्य देखते हुए, कहीं हरी घास के मैदान थे, कहीं हल्का पीलापन लिए, पौधों में पेड़ों में फूल लगे थे पीले रंग के, तो कहीं उखड़े प्लास्टर जैसी दीवार वाले पथरीले मैदान थे, सब कुछ छुमंतर होते गए। अचानक जब ध्यान आया तो देखा सब कुछ बादल में, सब पर एक बादलों की मोटी चादर बिछ गई है, बादल ही बादल और कुछ नहीं। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। उस दृश्य को जो मेरे सामने कुछ से गुजर रहा था, उस दृश्य को मैं आत्मसात कर रही थी, देख रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। प्रकृति का एक मन था कि मुझे सब कुछ सिखा दे, मुझे एक सयानी बना दे। यहाँ सयानी बनने का मतलब है समझदार बनने से, जानकार बनने से। तो लेखिका को जानकार या सयानी बनाने के लिए प्रकृति भी अपने रहस्यों को उद्घाटित कर रही थी, खोल रही थी, ताकि सब लोग प्रकृति के उस दृश्य को देखें और आत्मसात करें। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, अर्थात बादल छट गए। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। पहाड़ नहीं थे, उनकी छाया आ रही थी, परछाई पड़ रही थी, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जो छाया पहाड़ थे, उन छाया पहाड़ों को पार करके मैं जो वास्तविक पहाड़ थे उनके सामने खड़ी थी। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी हो, स्वर्ग बिखरा पड़ा हो, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। जहां तक नजरों की कुब्बत थी, नजरों की क्षमता थी, जो दृश्य नजरें देख सकती थीं, वहां तक सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी पड़ी थी।
अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत। पर्वत लेते कुछ नहीं है, सिर्फ देते हैं। औषधियां हों, लकड़ियां हों, कुछ भी हों, सुंदर दृश्य हों, सुंदर पुष्प हों, सब कुछ देते ही देते। झरने दे रहे थे, फूल दे रहे थे, घाटियों और वादियों के दुल्हन नजारे दे रहे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अच्छा सोचिए, हरा भरा सोचिए, सुंदर सोचिए, अपने आप सब कुछ आपको सुंदर नजर आएगा, सुंदर दिखेगा। आश्चर्य क्या हुआ, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेती लेते प्रियता और रोडोडेंड्रों के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए। चरे बेती चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके साथ बहता हमारा वजूद। मैं देखती थी सब कुछ परिवर्तित था, सब कुछ चल रहा था, एक स्थिर थे तो हम, सिर्फ हम। और इस जो चरे बेती जो पंक्ति है, चलते रहो, चलना ही जिंदगी है, जीवन का नाम ही है चलना, ये तो जीवन है। चाहे प्रकृति हो वो चल रही है, झरने हैं चल रहे हैं, पर्वत हैं परिवर्तित हो रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन स्थिरते तो हम और हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। वास्तविकता क्या है, पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में आनंद देने वाला है क्या, यही जो चलता हुआ सौंदर्य है, चलती हुई सुंदरता है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस विखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। अचानक जैसे उस नर्तक को देखा जो मन के बाहर और मन के भीतर एक रेखा थी, वो मिट गई, आत्मा उस दृश्यों को अनुभूत करने लगी, सचमुच ईश्वर के निकट अपने आप को मैं महसूस कर रही थी। वो प्रार्थना जो सुबह सीखी थी वो भी मुंह में आ गई, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव में ब्रेक सी लगी, कुछ ऐसा घटित हुआ। उस दृश्य को देखते देखते मैं उस स्थान पर जहां मेरे साथी थे थोड़ा दूर निकल गई, अचानक मेरे पांव में ब्रेक लगा, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन प्रत्यंगना के नूपुर अचानक टूट गए हों और अपने उन नूपुरों को उठाने के लिए, दोबारा से पैरों में बांधने के लिए वह नृत्यंगना रुक जाती है, उसी प्रकार मैं भी रुकी। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उस दृश्य को देखकर के मेरे पांव में ब्रेक लग गया, रुक गई। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको एक बड़ी सी टोकरी है जिसमें वो सामान रखती हैं, उस डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। क्या उन लोगों को वह सुंदरता अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, करती है, लेकिन वह अपने कर्म में निरत थीं, काम कर रही थीं। बड़ी बड़ी टोकरियां जो डोकों उनकी पीठ पर बंधी थी, उन पीठ पर उन अपने बच्चों को बांध करके कुदाल भी चला रही थीं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच
भूख मौत दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ साथ, वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है, ये फूल जैसी सुकोमल स्त्रियां इतने कठिन कार्य को क्यों कर रही हैं, पत्थरों को क्यों तोड़ रही हैं, इतना परिश्रम ये क्यों कर रही हैं। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, मजाक के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा बना रही हैं। लेह का मन और व्यथित हुआ जब उस व्यक्ति ने बताया कि जिन रास्तों पर से आप जा रही ना बड़े आराम से अपनी गाड़ियों से, इन रास्तों को इन्हीं पहाड़ी औरतों ने बनाया है। शायद इन्होंने इतना परिश्रम ना किया होता तो इतनी सुगमता के साथ आप इन रास्तों पर नहीं चल रही होती। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, गंभीर हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। बड़ी सावधानी भी चाहिए, थोड़ी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हट गई और सीधे पाताल में प्रवेश हो गया, अर्थात उस ऊंचाई से नीचे घाटी पर उस आदमी का प्रवेश हुआ, जीवन समाप्त। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात ये इंग्लिश का सेंटेंस, इसका अर्थ है, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। इस पंक्ति का हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, उसका अर्थ है, आप ताज्जुब करेंगे, एवर वंडर्ड यू हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मौत सामने खड़ी है फिर भी कहा, दूर हटो, हमें अपना काम करना है। ऐसे लोग यहां कार्य कर रहे हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उनका भी याद आया, मुझको ध्यान आया, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे। काम करने से हमारी उंगलियों के नीचे के हिस्से में गांठें पड़ जाती हैं, वो ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियां की कहानी हर एक जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। सारी लोगों की जो मलाई है अर्थात आनंद है वो एक तरफ है, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ है। हम केवल यहां आनंद लेने आते हैं, मजे लेने आते हैं, लेकिन ये लोग जो इस परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, उनके आंसू देखिए, उनका अभाव देखिए, किन कारणों से वो इतने खतरनाक कार्य को अंजाम दे रही हैं, उनकी यातना को देखिए, उनकी वंचना को देखिए, उनकी कमी को देखिए, लेकिन हम वो चीजें नहीं देख पाते। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये तो हमारे देश की गरीब जनता है, इन्हें कहीं भी देख लेंगी आप, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में।
उस गांव कस्बे को छोड़ करके आप यहां पहाड़ों पर्वतों की सुंदरता देख रही हैं, वो देखिए, ये देश की आप जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक को पथ लौटा देते हैं, वेस्ट एट रिपेइंग, कम लेते हैं और ज्यादा देते हैं, बहुत कम पैसा लेना और अधिकतम दे देना, वापस कर देना। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं कि जीवन लहला उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। इतनी वंचना, इतने आंसू, अभाव, यातना सबको साथ लिए हुए उनके मुखमंडल पर जो एक सांत्वना की मुस्कुराहट मैंने देखी, उस सांत्वना की मुस्कुराहट को देख करके मेरा मन ये कह उठा कि वास्तव में ये दृश्य है, जो खंडहर मुझे दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, ऐसे टूटे फूटे रास्ते दिख रहे हैं, वो भी ताजमहल हो गया। मेरा मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।